स्वागत है आपका आज की खूबसूरत शाम में, जिसको हम और बेहतरीन बनाने के लिए अभी जा रहे हैं बुर्ज खलीफा। जी हाँ, ये वही शेख जायद रोड है जिसको हम अपने पिछले दो व्लॉग में दिखा चुके हैं। ये निहायत ही खूबसूरत रोड है जिसमें आसपास जितने भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो जितना भी देखिए मन नहीं भरेगा, क्योंकि बहुत ही नायाब बन रखे हैं। अभी हम जा रहे हैं दुबई मॉल, जो बेसिकली बुर्ज खलीफा है वो दुबई मॉल में सिचुएटेड है। हाँ जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं दुबई मॉल। ये है दुबई मॉल की ग्रैंड एंट्रेंस। अभी हमें गाड़ी अपनी लगानी है पार्किंग में। इसकी पार्किंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इवन सेबी, जो सतनाम का कज़न है जो दुबई में रहता है, वो मैं बता रहा था कि एक बार वो यहाँ पे पार्किंग करने के लिए आया, बट ये पार्किंग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि किस फ्लोर में किस पिलर के पास उसने गाड़ी लगाई थी उसको वही भूल गया, तो कम से कम उसको 3-4 घंटे लगे, घूमना पड़ा तब जाके वो गाड़ी को लोकेट कर पाया। सो दिस इज़ फाइनली द मोमेंट जब हमने बुर्ज खलीफा को पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा। लिटरली हैड नो आइडिया कि वी वर इन फॉर अ ट्रीट। यहाँ पे फाउंटेन वर्क भी होता है म्यूजिक के साथ, बेसिकली जो वाटर वर्क या फाउंटेन वर्क था वो म्यूजिक के साथ इतना सिंक था कि मजा आ गया देखने में। मतलब आंखों के लिए तो ट्रीट थी भाई को देखने में। Right now I am at the tallest building of the world, Burj Khalifa. Right now we have just seen the fireworks and it was amazing, it was very beautiful. Bahut crowd hai yahan pe jo fireworks dekhne aata hai especially. So must visit experience for once in a lifetime. अभी हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा की तरफ। उसके बीच में ये काफ़ी खूबसूरत स्टोर्स आ रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे हैं। आप इनके केक्स को देखिए, दे आर सो नाइस फंकी, और मतलब कितने कलरफुल केक्स हैं कि मतलब इनको खाना तो दूर, इनको बंदा चाहेगा सिर्फ मैं देखता ही रहूँ। तो ये है बुर्ज खलीफा की टिकट अप टू 124th एंड 125th फ्लोर, एंड टिकट फॉर द सिंगल पर्सन इज अराउंड 4000 एंड फॉर टू अडल्ट्स इज 8000। ये है फोटो क्लेम कार्ड जिसको आप चेकआउट के टाइम स्कैन करके अपनी फोटो क्लेम कर सकते हैं।
So right now we are inside the Burj Khalifa. We have just taken the ticket and gone through the security check. So now we are heading to the upper floors. So this is the first time experience. We are very excited about seeing Burj Khalifa from inside and the top of Dubai from Burj Khalifa. चलिए देखते हैं कैसा व्यू देखने को मिलता है. So this is how the first floor of Burj Khalifa looks like. 2005 mein superstructure started. 2006 level 50 tak ban gaya tha. 2007 level 100 was completed. Amazing yaar, at a very high. In 2007 level 150 world's tallest freestanding structure, and 2008 level 160 world tallest man-made structure. बड़ी जल्दी में आया. कंप्लीशन ऑफ द स्पायर ऑफ द टॉप इन 2009. क्लैडिंग कंप्लीटेड, स्टील क्लैडिंग कंप्लीटेड इन 2009. सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग थ्रू द वॉल्स, थ्रू द वेरियस टीवी स्क्रीन्स, दे आर बेसिकली लेटिंग अस नो how it gets started and how much time it has taken to build the complete structure of Burj Khalifa. तो एग्जैक्टली इस पॉइंट से हमें 124th और 125th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा में जाने के लिए लिफ्ट मिलेगी. कभी भी इतनी जल्दी 155th फ्लोर पे कभी नहीं पहुंचा. लिफ्ट वॉज सो डैम क्विक. सो फाइनली ऑन द 124th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा. बट भाई ये बाहर देखने में क्या लग रहा है, मैं यहाँ ये कहाँ आ गया हूँ इतनी ऊंचाई पे. एक्चुअली यहाँ से तो सारा दुबई रात को चमकता हुआ दिखाई दे रहा है. मतलब दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है, दुबई जगमगा रहा है लाइटों से. अब हम आ चुके हैं 125th फ्लोर पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल स्टोर्स आर क्लोज्ड. लाइट्स भी यहाँ पे स्विच ऑफ हो चुकी हैं, क्लीनिंग का काम चल रहा है. मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड है एक की, तो मैं दूसरे से शूट कर रहा हूँ जिसका कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा. बट व्यू अभी भी अमेजिंग है. We are on the 25th, 125th floor पे हैं बुर्ज खलीफा के right now. It is a night time. And just like that, within few minutes we are down again. पता ही नहीं चलता लिफ्ट से आप कब नीचे आ जाते हो. Now अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रखे हैं, पहले तो एक बार मैं देखने में मुझे समझ नहीं आया, बट देन आई रियलाइज कि इन्होंने लिटरली एक्सप्लेन किया है कि हर एक स्टेज में कैसे कैसे बुर्ज खलीफा बना. बेसिकली ये समझाने की कोशिश की गई है इन स्ट्रक्चर्स को ऐसे दिखाने से कि ये बिल्कुल इजी नहीं रहा है. इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ वर्कर्स जिन्होंने इसको क्रिएट किया है. ये बेसिकली अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड है कि ये बताना है क्या कि हम भी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं विच कैन विदस्टैंड एनी वेदर. दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू वीडियो ऑफ अ वर्कर एक्सप्लेन्स कि बुर्ज खलीफा को मेंटेन करना ऑन डेली बेसिस इज ऑल्सो नॉट एन ईजी जॉब एंड इट्स वेरी रिस्की. सो दिस इज बेसिकली द मर्चेंडाइज सेक्शन ऑफ बुर्ज खलीफा एंड और यहीं हम अपना बुर्ज खलीफा का जो सफ़र है ख़त्म करते हैं.
हाँ जी, तो स्वागत है आपका दूसरे दिन में। आज हमारा प्लान है एक्सप्लोर करने का एक तो बटरफ्लाई गार्डन और एक मिरेकल गार्डन, बट उससे पहले ऑन आवर वे वी सॉ दिस रेंट अ कार एग्जॉटिक शोरूम, जहाँ पे ये ब्यूटीफुल कार्स पार्क थी और इनकी पता चला कि साइड में पार्किंग भी है जिसमें दुनिया जहाँ की इंपोर्टेड कार्स पार्क्ड हैं। तो हमने सोचा क्यों ना मोमेंट को सीज किया जाए और देखते हैं कौन कौन सी कार्स पार्क्ड हैं। तो भाई साहब, इसके अंदर जब एंटर किया तो पता चला भाई इन्होंने तो यहाँ पे आतंक मचा रखा है। इन्होंने तो दुनिया जहाँ की आई थिंक बेस्ट कार्स का कलेक्शन रखा। भाई साहब, इतनी मतलब खूबसूरत गाड़ियाँ पार्क थी यहाँ पे, जिस कलर की मांग लो, जिस हाइट और स्ट्रक्चर की मांग लो, बड़ी से बड़ी रेस कार से लेके एसयूवी सब कार्स पार्क थी यहाँ। जो कार्स लवर है उनके लिए तो ये एक तरह से पैराडाइज है भाई, यहाँ पे इतनी कलेक्शन थी। और मतलब बेसिकली यू कैन रेंट एनी ऑफ दिस कार्स। ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी वो तो भाई ये ग्रीन कलर की उरुस लग रही थी, इवन ये ब्लू कलर की ब्रैब्स बड़ी स्टनिंग लग रही थी। भाई साहब, गाड़ियों का तो अंत ही नहीं था यहाँ पे। ये कार्स ऐसे किसी की इंडिविजुअली अलग अलग पार्क नहीं है, यहाँ पे एक सप्लायर है जो आपको रेंट कार रेंट करने के लिए देता है, ये उसका पार्किंग एरिया है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, विच इज़ बटरफ्लाई गार्डन। जल्दी से करते हैं कार को पार्क, लेते हैं टिकट और एक्सप्लोर करते हैं बटरफ्लाई गार्डन। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ थर्ड डे ऑफ आवर दुबई ट्रिप एंड टुडे वी हैव कम टू सी बटरफ्लाई गार्डन। द टिकट फॉर सिंगल पर्सन इज़ 55 दिरहम। सी द होल म्यूजियम, एवरी फ्रेम has butterflies in it, और ये सारी butterflies से ही paintings बनी हुई है। इवन ये देखिए, अब शेख के जो पूरी जो अटायर बनाई गई है साइड की, ये butterflies है। ये देखिए, ये butterflies यूज हुई हैं, जो डेड butterflies हैं वो यूज हुई है। There are variety of butterflies. डिफरेंट कलर्स फ्रॉम डिफरेंट ओरिजन्स, मतलब इतनी सारी बटरफ्लाइज कहीं कहाँ कहाँ से लेके आना एंड कलेक्ट करके एक म्यूजियम बनाना, समथिंग वेरी फैसिनेटिंग ना। अब ये देखिए, ये सब बटरफ्लाइज से बना हुआ। Right now we are into the butterfly museum. This is the natural habitat of the butterflies. So we have created an environment for the butterflies, and you can see a variety of butterflies here. See how beautiful. ये चैम्बर देखा, मतलब बात कर रहे हो, इको हो रही है आवाज वहाँ पे, बोल रहे हो वहाँ तक इको हो रही है आवाज, आराम से चाहे। Now this butterfly garden is basically for people of all ages. यहाँ पे आके आपको एक्सट्रीम नेचर साउंड सुनने को मिलेंगे, बहुत पीसफुल है ये जगह।
आर रूमिंग इनसाइड द बटरफ्लाई म्यूजियम एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुली बिल्ट ना कि मतलब लविंग देर आर सो मैनी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई कि आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा और बहुत अच्छे से प्रिपेयर और मेंटेन करके रखा हुआ है. सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. Now this is the second chamber of the butterfly garden. This is built differently. इस ये more of a auditorium based type लग रहा था but artificial plants लगे हुए हैं यहाँ पे but same butterfly की बहुत सारी species यहाँ पे भी हैं. बेसिकली आप यहाँ पे बैठ के आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं बटरफ्लाइज के साथ इवन विद योर फैमिली क्योंकि काफ़ी एम्प्टी स्पेसिस थी और जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते थे और इन्जॉय कर सकते थे. After exploring butterfly garden, now we are going to Miracle Garden. This is one of the famous sites to visit in or gardens to visit in Dubai. So let's just explore. देखते हैं कैसा है अंदर से. So the ticket cost of Miracle Garden for a single adult is 1500 Indian rupees. तो पेशी खिदमत है Miracle Garden. So this right here is the Emirates A380 plane which is basically parked in the Miracle Garden and isko actually 500,000 taza flowers aur plants se sajaya gaya hai aur ye actually world ka biggest structure hai jo ek garden mein banaya gaya hai and it holds a Guinness World Record for it. बेसिकली जितने भी फ्लावर्स और प्लांट्स आप इस प्लेन पे देख रहे हैं उनको ग्रोन और हार्वेस्ट करने के लिए 4 मंथ का पीरियड लगा है वो भी दुबई मिरेकल गार्डन नर्सरीज में. जो इसमें जो आप एमिरेट्स का लोगो देख रहे हैं इसमें वो एक्चुअली 9,000 फ्लावर्स और प्लांट्स को जोड़ करके बनाया गया है और ये पूरी इंस्टॉलेशन को करने के लिए कम से कम 200 क्रू मेम्बर्स की मेहनत लगी है और उसको करने के लिए उन्होंने 180 डेज के लिए 10 आवर्स पर डे स्पेंड किए थे. So the cutest structure in the Dubai Miracle Garden is this teddy और ये penguins जो बिल्कुल उसके सामने बने हुए हैं. So basically some facts about Dubai Miracle Garden. It was opened in 2013 on Valentine's Day. बेसिकली विद द पर्पज़ कि इससे लव और हारमोनी अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड की जाए. जो इसका जो टोटल एरिया है वो अराउंड 72,000 स्क्वायर मीटर्स है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन्स इन द वर्ल्ड विद मोर देन 50 मिलियन फ्लावर्स एंड 250 मिलियन प्लांट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो मिरेकल गार्डन है बेसिकली इज़ प्योरली एन आउटडोर वेन्यू तो आप सीजन देख के आइए. हम गए थे अराउंड अक्टूबर जिसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी.
एवरी सीजन जो दुबई मिरेकल गार्डन है इसमें ये नए नए थीम्स और स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं टू अट्रैक्ट विजिटर्स। इसी तरह हमारा एक और खूबसूरत दिन दुबई में ख़त्म होता है। होप करते हैं कि आपको आज का ये ब्लॉग है ये पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ट्यूनिंग इन टू अंकित सी ब्लॉग्स। थैंक यू।